fact that Prime Minister Modi is addressing the Mann Ki Baat. What is he saying? Let's listen. अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी, मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी। अब यह व्यवस्था बदल चुकी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता, बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई है। साथियों, कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। Alright, that is Prime Minister Modi addressing the Mann Ki Baat. In fact, this is also a day after BJP's victory in Maharashtra, and he's addressing the nation in the 116th edition of Mann Ki Baat. But for the moment, we leave it at that, considering the fact that